जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस वक्त तुर्की में हूँ और तुर्की में आया हूँ वज़ी खारजा की दावत पर उन्होंने मुझे दावत दी थी इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस के लिए और वो चाहते थे कि उसके साथ साथ हमारी एक ट्राइलेट्रल मीटिंग भी हो जाए तुर्की पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान की आपके में है कि यहाँ कोविड नाइनटीन की सिचुएशन ख़ासी पेचीदा है और उन्होंने खासे सख्ती से अपने एस ओ पीज़ का इन्होंने नफाज किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद ये कॉन्फ्रेंस और अफ़गानिस्तान की अहमियत को सामने रखते हुए इसका ज़रूरी समझा गया बदकस्मती से कॉन्फ्रेंस तो ना हो सकी क्योंकि तालिबान का वफद ना आ सका और उसको पोस्टपोन करना पड़ा लेकिन हमने फ़ैसला किया तुर्की ने अफ़गानिस्तान ने और पाकिस्तान ने कि हम अपनी ट्राइलेटरल इंगेजमेंट को जारी रखेंगे चुनाचे हमने ट्राइलेटरल मीटिंग की और उस ट्राइलेटरल मीटिंग में हमने जो अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल है पीस प्रोसेस उस पर तबादला ख्याल किया और पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट के जो इम्कान हैं रिकन्सट्रक्शन के डेवलपमेंट के इकनॉमिक इंटिग्रेशन के उस पर भी तबादला ख्याल किया जॉइंट स्टेटमेंट एक इशू हो चुका है बड़ा मुफसिल है और आपकी नज़र से गुजरा होगा इसके साथ साथ आ, मौके को आ, आ, गनीमत जानते हुए मैंने कोशिश की कि तुर्क वजीर ख़ारजा और अफ़ग़ानिस्तान के वजीर ख़ारजा के साथ नशस्तों में दो तरफ़ा ताल्लक़ पर भी एक नज़र डाल ली जाए चुनान एक बायोलेट्रल सीटिंग की गई तुर्की के वजीर ख़ारजा के साथ और एक बायोलेट्रल सीटिंग की गई अफग़ानिस्तान के वजीर ख़ारजा के साथ और दोनों खांसी मुफ़ी रहीं मैं तुर्की का शुक्रगुजार हूँ इसलिए शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने आ, मेज़बानी का शर्फ हासिल किया और इस पीस एफर्ट को री एनर्जाइज करने के लिए अपना किरदार अदा किया पाकिस्तान और पूरा खित्ता तुर्की का शुक्रगुजार हमें होना चाहिए आ, जिस तरह से इशारा उन्होंने मेज़बानी और जो इंतज़ाम यहाँ किए मैं तुर्की का ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा किया, किया कि जम्मू और कश्मीर पे जो उनका गैर मुतजल जल मौक़ रहा है उससे पाकिस्तानियों की और कश्मीरीों की बिलखसूस खासी हौसला अफजाई हुई है हमने अपनी नशस्त में दोनों वज्रा ख़ ख़ारजा ने जो हाई लेवल स्ट्रेटिजिक कोपरेटिव काउंसिल का जो हमारा इजलास मनकद होना है माह रमज़ान के बाद दौरान इसी साल उस पर भी तबादला ख़्याल किया और ये समिट लेवल का होगा जिसमें सदर उर्दगान और वज़ी अजम इमरान ख़ान शिरकत फरमाएंगे इसके साथ साथ जो अफगानिस्तान के साथ बायलैटरल मीटिंग हुई उस पर भी ताज़ा सूरत हाल पर हमने एक नज़र दौड़ाई और उसके साथ साथ जो हमारे वीज़ा इश्यूज हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ और मैंने नुकता उठाया पाकिस्तानी कैदियों का जो छोटे छोटे जराइम की वजह से वहाँ जेलों में बंद हैं, छोटे छोटे जुर्माने उन्होंने अदा करने हैं और मैं शुक्रगुजार हूँ वजीर ख़ारजा हनीफ अतमर का जिन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि वो अपने जुडिशल सिस्टम से रजूह करके उन मामलों को एक्सपेडाइट करने की कोशिश करेंगे ताकि उनकी रिहाई हो सके मुझे यहाँ मीडिया से भी इंगेज करने का मौका मिला पाकिस्तान का मौफ़ पेश करने का मौका मिला अफगानिस्तान के बारे में हिंदुस्तान के बारे में ख़ते के बारे में इकनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में तबादला ख़्याल हुआ और यहाँ के जो टी आर टी वर्ल्ड है उस पर मेरा एक इंटरव्यू था और दूसरा इनकी जो एजेंसी है हंदुलू उस पर भी मेरा एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया और पाकिस्तान का मैंने मौक़ पेश किया शुक्रिया